उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ मेला के आयोजन को लेकर देश नहीं विदेश में भी उत्सुकता है। अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्राजील से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लोग महाकुंभ की जानकारी जुटा रहे हैं, इसके बारे में जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से तैयार कराई गई वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर इससे संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। संगम नगरी में 12 वर्षों के बाद हो रहे महाकुंभ के आयोजन में अभी करीब 2 महीने का समय बाकी है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसकी धमक अभी से सुनाई देने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, उस पर हिट्स के आंकड़े अब सामने आए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। वेबसाइट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर महाकुंभ को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मोबाइल ऐप को भी लोग खूब डाउनलोड कर रहे हैं। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उरुग्वे जैसे देशों से लगातार हिट्स आ रहे हैं। प्रयागराज आए सीएम योगी ने 6 अक्टूबर को प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय में महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। 31 अक्टूबर तक महाकुंभ की वेबसाइट पर 80,000 से अधिक हिट्स आ चुके हैं। इसमें हजारों हिट्स विदेशों से आए हैं। सबसे ज़्यादा हिट्स ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों से आए हैं। वहीं मोबाइल ऐप को 1500 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। एंड्रॉयड फ़ोन पर 1209 और आईफोन पर 326 यूजर्स ने ऐप को डाउनलोड किया है। इसके जरिए महाकुंभ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। महाकुंभ के शुरू होने से लेकर स्नानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। महाकुंभ 2025 को लेकर विदेशों में भी संतों की ओर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने मलेशिया भ्रमण के दौरान वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और पर्यटन मंत्री शिव कुमार को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। अन्य देशों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने NRI विभाग को महाकुंभ का लोगो भेजा है। इसके बाद दुनिया के 194 देशों के दूतावास को लोगो भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विश्व स्तर पर इसके प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी भी चल रही है। नवंबर दिसंबर में हर देश भारतीय दूतावास की ओर से रोड शो, रैली और सभाओं के जरिए महाकुंभ का प्रचार प्रसार शुरू होगा। प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यह मौका सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश के लोगों के लिए भी बहुत खास है। महाकुंभ एक बड़ा धार्मिक मेला है जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। इस बार लोग महाकुंभ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वे गूगल पर इसकी तारीखों और जानकारियों के बारे में पता कर रहे हैं। अब लोगों को महाकुंभ की जानकारी पाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेला प्राधिकरण ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है महाकुंभ मेला 2025 ऐप। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और कोई भी इसे आसानी से डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप की मदद से आप महाकुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको महाकुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि मेला कब होगा, कहाँ होगा और इसका क्या क्या महत्व है। इसके अलावा यहाँ पर महाकुंभ और कुंभ पर लिखी गई किताबें और ब्लॉग भी मिलेंगे जो आपको महाकुंभ की परंपराओं और खासियतों के बारे में बताएंगे। प्रयागराज को भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल से एक माना जाता है और यहाँ पर हर साल माघ मेला और हर 6 साल में कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है। ऐप में एक ब्लॉग सेक्शन भी है जहां पर IIM जैसी बड़ी संस्थानों की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। इसमें UP टूरिज्म द्वारा पेश किया गया एक्सप्लोर प्रयागराज भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।